को लेकर अभी आप एमपीपी कार्यालय पहुंचे थे। विद्युत मंडल की तानाशाही प्रवृत्तियों के चलते आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ स्मार्ट मीटर के नाम पर हजारों के बिल उगले जा रहे हैं उसके मीटर के द्वारा, और तो और जब कोई गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं भर पाता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है और 340 रुपए का दंड दिया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? शिवराज सिंह जी सुन लो, ये ज़्यादा दिन धांधली चलने वाली नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, वही योजनाएं लागू होगी। 100 रुपये का 100 यूनिट गरीबों को वही सरकार कुछ दे सकती थी। आप तो लूटपाट मचाओ, ये लूटी हुई पिटी हुई सरकार है, ये डकैती की सरकार है, इसलिए तुम डाका डाल रहे हो जनता की जेब में भी। शिवराज सिंह जी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम चेता रहे हैं, समझ जाओ इस बात को लेकर कि जनता के ऊपर डाका डालना बंद करें। 340 के ब्याज जो कर वसूल रहे हैं, अंधाधुंध बिल दिए जा रहे हैं, समय पर आप उसका रीडिंग नहीं करते। जो 100 रुपए के यूनिट का लाभ है वो भी नहीं मिल रहा आम लोगों को। ये तो सुनिश्चित कर दिया कमलनाथ जी ने कि जब उनकी सरकार आएगी तो वापस पुनरावृत्ति होगी उन्हीं योजनाओं की। लेकिन अभी आपकी बात हुई अधिकारी से तो उनका तो कहना था कि हम तो वसूलेंगे, और आपने भी कहा आप तो वसूलेंगे, तो फिर आप यहाँ आए क्या निर्णय निकला? ये तो नियमन आयोग का एक बहाना लेकर सब बातें करते हैं अधिकारी तो यहाँ बिठाए इसीलिए गए कि जनता की जेब में डाका डाला जाए। जनता भी समझ रही है, हम अपना धर्म निभाते हैं, विपक्ष के नाते हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाई जाए। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको ऐसे ही जगाया जाएगा। अभी तो हम बहुत शांति पे तरीके से आए हैं, जिस दिन सड़कों पे आएंगे उस दिन जलजला आएगा इन एमपीपी के सामने, तब इनको पता पड़ेगा। अब आप करेंगे आंदोलन लोगों को साथ लेके? सतत रूप से आंदोलन चलेगा इस बात को लेकर, जब तक ये नहीं करेंगे हम लोग जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये 340 रुपए का क्या चार्ज है जिसको लेकर कांग्रेस ये भी आए थे, आपसे बात भी हुई है, उनका कहना है कि जबरन वसूला जा रहा है, क्या पहले बताएं चार्ज क्या है, और अभी आपकी उनसे बात हुई क्या उनका कहना? एक्चुअल में आज जो ये धरना प्रदर्शन था उसके तहत जो है 340 रुपये जो चार्ज है एमपीपी द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये चार्ज नियामक आयोग के टेरिफ के अनुसार डिसाइड है, जो कि आरसीडीसी कोई भी कनेक्शन बकाया राशि के तहत काटा जाता है, तो उसकी बकाया राशि जमा करने के उपरांत जो अगर कनेक्शन उससे वापस जोड़ा जाता है तो उसका जो है आरसीडीसी कनेक्शन डिसकनेक्ट एंड कनेक्शन रिकनेक्ट के नाम से ये चार्जेस होता है, जो कि एक नियमित राशि वसूल की जा रही है। जो पूर्व में 200 रुपये थी, अभी वर्तमान में 340 रुपये राशि है, उसका बिल चार्ज किया जाता है। सर, उन्होंने कहा कि ये गलत है और इस पर आरोप भी लगाया कि ये सब बंद होना चाहिए, अब आप क्या है बात हुई आपकी? चूँकि ज्ञापन के माध्यम से आप सभी ने अपनी बात रखी है और नियामक आयोग से जारी ये टेरिफ है, उनकी बात को ज्ञापन जो दिया गया है उसको तत्काल जो है मेरे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को भिजवाया जाएगा और जो भी उनके संज्ञान में इस बाबत सुनाया जाएगा। मैं ददीशी रेवड़े, कार्यपालन यंत्री ददीशी रेवड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।